राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। अब इस देश में गांधी के मायने बदल चुके हैं। इमरजेंसी में इमोशन नहीं, मेरे ऑर्डर्स चलते हैं। तुम जिंदगी से क्या चाहती हो? मैं बस एक अच्छी बीवी बनना चाहती हूँ। इमरजेंसी है मतलब ऐसे कैसे पुलिस निहत्थी जनता पर गोलियां चला सकती है? मेरे घर में इमरजेंसी के खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं। ये बच्चे नक्सल के औलादे हैं, ये यहाँ नहीं रहेंगे। बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। इस सिस्टम से लड़ूंगी मैं। आज से आपका टारगेट 350 नहीं, 700 नसबंदियां हैं। ये बहरी सरकार सुनने वाली नहीं है, हमें अब कुछ बड़ा करना होगा। ये काम मैं करना चाहती हूँ। भारत की एक बेटी ने देश को बंदी बनाया हुआ है, तुम वो बेटी बनो जो देश को मुक्ति का मार्ग दिखा सके। एक ग्रुप को कंट्रोल करते हैं तो कल दूसरा कोई सर उठा लेता है। इस कुरुक्षेत्र में हाथ कांपेंगे तो नहीं? अर्जुन के इरादे हिल सकते हैं, घायल द्रौपदी के नहीं। सरकारी चैलेंजेस से नहीं, चाबुक से चलती है। और तेरे संगठन के सारे लोग सारी जिंदगी जेल में घिसटते रहोगे और सड़ते रहोगे। और तुम लोग जिंदगी भर माँ बेटे की गुलामी करते रहोगे।